Assalamualaikum everyone, welcome to Bekaar Vlogs. जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने घर पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं. तो आजकल एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, वो चल रहा है डेलगोना कॉफ़ी का. डेलगोना कॉफ़ी या डेलगोना कॉफ़ी, मुझे नहीं पता उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, बट ये आजकल हर कोई बना रहा है और लोग बना के पिक्चर्स लेके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, हर कोई बना रहा है, क्रेज़ बना हुआ है. तो हमने सोचा व्हाई डोंट वी हॉप ऑन दिस ट्रेंड और हर ग्रुप मेंबर अपने घर पे डालगोना कॉफ़ी बनाएगा और वीडियो बनाएगा, एंड जो एंड रिजल्ट है वो हम अभी वीडियो में दिखाएंगे. और जिसकी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होगी वो आप बताएंगे कमेंट में, और देखते हैं हु विंस. आप कमेंट में बताएंगे कि किसकी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगती है आपको, तो वो नीचे ज़रूर कमेंट करेगा. सो जैज़ी ने इंट्रो दे दिया, डेलगोना कॉफी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? We need a coffee. चीनी चाहिए, ये मिक्सर चाहिए, ये एक टेम्परेरी मग है, आई एम गोइंग टू मेक ठंडा. दूध चाहिए, एक बोल चाहिए, गरम पानी चाहिए. एंड दीज आर द टू ग्लासेस व्हिच आई एम गोइंग टू, ये मेरे फाइनल प्रोडक्ट के ग्लासेस हैं. और हाथ क्लीन होना चाहिए. आई हैव अ स्पेशल मशीन जिससे काम आसान हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लेंगे कॉफी, ओके, तकरीबन 2 चम्मच. 1, 2, 1, 2 एंड 3, क्योंकि मुझे और सिद्रा दोनों को स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, तो मैं थोड़ी ज्यादा कॉफी की. शुगर से मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो ब्राउन हो या वाइट हो चलेगी. सो तकरीबन 2 चम्मच शुगर यूज करूंगा, ये हो गई 2 चम्मच तकरीबन शुगर. तो मैं ब्राउन शुगर यूज कर रहा हूँ, बहुत हार्ड है. 1, 2 शुगर आई टेक 3, 1, 2, 3 और ये 3.5. गर्म पानी, क्योंकि शुगर को पिघालना भी तो है, तो गर्म पानी अभी हम यूज करेंगे. मैं 1.5 टेबल स्पून यूज करूंगा, गर्म पानी है, बाय द वे इट्स हॉट वाटर. 1 एंड 2. सो व्हाट आई डू इज आई टेक दिस, टर्न ऑन द चूल्हा, मैं इसी पे गर्म करता हूँ ताकि वो खुआरी ना हो मेरी ज़्यादा. इसमें डाल देता हूँ बेसिकली 3-4 चम्मच चाहिए होते हैं आपको, खुआरी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एक बर्तन गंदा नहीं होता. फिलहाल मेरे पास मीटर नहीं है, चम्मच है और फोर्क है, तो मैं इसी से. ये जो मैंने बनाया है इसको मिक्स करूंगा इससे. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, यू हैव टू मिक्स इट टिल इट्स फॉर्मी एंड क्रीमी, तो काफी टाइम लगेगा. और थोड़ी देर कर लें बस के वो जो शक्कर है वो डिजॉल्व हो जाए. मतलब अभी से बनना शुरू हो गए, चेक कर रहे हैं आप. तो मेरे पास जो बीटर था वो टूट चुका है, तो अब मैं चमचे को रखूंगा साइड में और मैं मदद लूंगा कांटे की, फोर्क की, और उससे ये फेंटूंगा. काफी हद तक तो हो गया, अब मैं 1.5-2 घंटे लगे तो नहीं रह सकता. सो अब हम इसको यहाँ लगाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेंगे. वैसे तो इस मशीन में ये जो चीज़ें हैं घूमने वाली, ये 2 होती हैं. आई एम हैकिंग इट कि मैंने एक लगाई है, दूसरी मैंने रख दी और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर माय ओन पर्पस. मशीन का जादू, विद इन नो टाइम काफ़ी हद तक अच्छा होने लग गया. अभी सही है, मशीन का जादू. मशीन का जादू देख रहे हैं हम लोग, कैसा कैसा. हाँ बेटा जैसी वो भी कैसा.
कॉफी भेज चुका हूँ मैं, अब इस दूध का काम है। तो मैंने मिक्स कर दिया, काफी क्रीमी हो गया और अब भाई मैं तो अपनी कॉफी, मैं अभी अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं अपनी कॉफी कोल्ड प्रेफर करूंगा, तो पहले मैं आइस लेकर आऊंगा। तो अब हमारा फ्रॉथ तैयार हो गया, इसको साफ करते हैं बाद में। थोड़ा फ्रॉथ इसमें और थोड़ा इसमें, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लेन दूध बुरा लगता है, इतना काफ़ी होगा और इसमें भी इतना काफ़ी होगा। सो अब हमारा काम है इसकी टॉपिंग करना, ये जो कॉफ़ी हमने फेंटी है। मैं इसके ऊपर अब कुछ और तो जी पता नहीं, कुछ और ही लग रहा है। आई गेस मैंने सारा यूज कर लिया इसमें जो था। अच्छा तो मैं ठंडा बना रहा हूँ तो इसलिए आई नीड क्यूब्स, 1, 2, 3, 4, 5 यूज ग्लास, ठीक है। तो हमारे कप्स तैयार हैं, इनको जरा मैं साफ कर दूं। तो भाई इसमें थोड़ा थोड़ा और फैंसी करते हैं इसको। थोड़ी सी और कॉफी, कॉफी बोला नहीं बट है। सो That's how you make Dalgona coffee. Dalgona ही है ना, पता नहीं जो भी नाम है, Dalgona coffee. मैंने कोल्ड बनाई है तो it's Dalgona cold coffee. अभी तो दिखने में अच्छी लग रही है बट अभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखते हैं कैसे। चलो आओ उनको क्लोजर दिखाओ, आ जाओ क्लोजर देखो ब्यूटी शॉप। तो ये थी मेरी Dalgona कॉफ़ी, दैट्स हाउ माय कॉफ़ी लुक्स लाइक। बाकी देखते हैं समी और मुबीन कैसे बनाते हैं और जिसकी सबसे ज़्यादा विजुअली अपीलिंग हो वो आप नीचे कमेंट करें कौन जीता। सो पसीनों से आइडिया हो गया होगा कितनी मेहनत लगी है ये कॉफ़ी बनाने में। सो फाइनली बन गई है। अब ये कैसी बनी है, मैंने इसमें क्रीम डाली थी जो कि डूब गई, वो क्योंकि मुझे पसंद है क्रीम, इस वजह से मैं डाली थी, बना ज़रूरत नहीं है। खैर कॉफ़ी बन गई है। मैं कॉफ़ी हमेशा से अच्छी बना रहा हूँ तो नथिंग न्यू फॉर मी। तो बताइए कैसी लगी आप लोगों को हमारी कॉफ़ी बनाने की चैलेंज, हमने एक दूसरे से किया एंड यू कैन क्लियरली सी मेरा बुरा तो नहीं है। इन लोगों का मुझे नहीं पता और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन लेट मी एंजॉय दिस विद बेगम साहिबा। भाई हमने बना तो लिया है, लग अच्छा रहा है बट जरा टेस्ट करके देख लेते हैं। आई थिंक इस तरह ही होगा। इसलिए कॉम्पिटिशन था विजुअली अपीलिंग का, टेस्ट का नहीं।